हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सर्वेश श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर दिए हैं द संदेश इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बताएंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके पहले हम आपको बता दें कि हम लोग जो है फंडामेंटल पढ़ रहे हैं और इस फंडामेंटल में हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप हम आपको वीडियो हम देते रह रहे हैं और इसके साथ ही जो है बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक के हम आपको प्रोग्राम देंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए हम कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हमारी होती जाएं। तो बेसिक से लेकर हम एडवांस तक के हम आपको वीडियो देंगे जिसमें से आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हम देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ये है हार्डवेयर और ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, मींस एक हमने लिखा हुआ है हार्डवेयर और एक हमने लिखा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि आज के हमारे टॉपिक के ही हम कंसेप्ट क्लियर कराना है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्डवेयर जो होता है यानी कि कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग जो है उसको हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे सीपीयू का हम लोग ले लेते हैं, जो सीपीयू होता है कंप्यूटर, जो सीपीयू है उसमें हम अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, यदि हम कैबिनेट को ओपन कर देते हैं तो उसमें रैम होता है, मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो क्या है, एक हार्डवेयर का पार्ट्स है। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर उसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे जिस पार्ट्स को हम लोग जो टच कर सकते हैं। ठीक है, जिस पार्ट्स को हम जो टच करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। और जिस पार्ट्स को हम लोग टच नहीं करते हैं, केवल फिल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पर हमने एक सीडी लिया हुआ है, देखेंगे एक सीडी है हमारे पास जो है, ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यह सीडी क्या है, यदि हम इस सीडी को हम लोग देखते हैं तो इस सीडी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस सीडी को हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हम टच कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग टच करके इसको हम देख सकते हैं, आपका जो है उसका आकार प्रकार सारी साइज वगैरह हम सब कुछ इसमें हम लोग देख सकते हैं। बट यदि इसको हम क्या करते हैं कि यदि इसके हम सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बताया कि सॉफ्टवेयर को हम जो है टच नहीं कर सकते हैं, केवल हम लोग जो है फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सीडी होगी, यह सीडी किसी सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, किसी मूवी की भी हो सकती है, किसी सॉन्ग्स के भी सीडी हो सकती है। तो जब हम इस सीडी को जब हम लोग जब टच करते हैं, ठीक है, जब इसको हम सीडी जब टच करते हैं तो वो इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है या उसके अंदर का जो मूवी है उसको हम लोग जब टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम टच करते हैं तो ये सीडी को टच करते हैं, अर्थात ये हम लोग हार्डवेयर को हम लोग टच करते हैं। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है, या तो हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर चलाते हैं या तो कोई लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में जो भी हमारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम ले लेते हैं या कोई एप्लीकेशंस प्रोग्राम ले लेते हैं, एप्लीकेशन में जैसे मान लीजिए कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो अपनी नीड के अनुसार उसको अपने सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर में जब इंस्टॉल कर देते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम लोग ये टच करने का यदि हम प्रयास भी करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच करने का हम प्रयास भी करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम स्क्रीन पर टच करते हैं तो स्क्रीन टच हो रहा है, न कि सॉफ्टवेयर टच हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो उसके थ्रू है ना, वो हार्डवेयर के थ्रू होता है। ठीक है, और एक चीज और हम आपको क्लियर कर दें कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक जो होता है, एक ऐसा एक ग्रुप होता है जिसके द्वारा जो है दोनों के मिलजुल से जो होता है
ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है। यदि आपका हार्डवेयर यदि केवल सिंगल है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये दोनों काम नहीं करेगा, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ यदि ग्रुपिंग में रहते हैं तब जाकर जो है आपके जो भी आपको करना होता है उससे रिलेटेड आपको वर्क, तो उसको आप फाइनली आप उसको डन कर पाते हैं। यदि आपका हार्डवेयर यदि है और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसको हम आप नहीं कर पाएंगे, यदि सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों होना जरूरी होता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और एक बार फिर हम आपको रिपीट कर दें कि हार्डवेयर जो होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, हार्डवेयर में जो भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका माउस हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड हो जाएगा, इसके बाद जो है सीपीयू हो जाएगा, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्कैनर है एंड प्रोजेक्टर है, ये सब सारी चीज़ें जो भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल इस क्योंकि आपका ये हार्डवेयर में है ना आपका, क्योंकि इसको हम लोग टच कर सकते हैं, मीन्स इसको हम लोग फील कर सकते हैं। सो टच करके आप देख सकते हैं कि उसकी साइज क्या है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बट जो है जो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर हम लोग जो उसको केवल उसको हम फील करते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसको हम लोग जो टच नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी को जो है यह हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जो है कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, और हमारे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि और भी बच्चे हमारे जो हैं इस वीडियो से हेल्प ले पाएँ, और ऐसे जो है जो भी हम न्यू वीडियोज आप लोगों के लिए हम जब लाते रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।